सो इतने पैसे में तो अच्छी खासी कार आ सकती है जितने में ये आ रही है, और आप एसी ऑन करके घूम सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं मैक्स राइडर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। सो फाइनली जो आज हम लोग जाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के एजेंसी में, और वहां पे आ गए सुपर मेट्रो 650 और लंच जो हुई है रॉयल एनफील्ड में। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि 650 जो रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया है, क्या वो सही में हार्ले डेविडसन की जैसे ही लुक में बाइक है, और कितने के प्राइस आ रही है, और क्या इसका लेने का बेनिफिट है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करके ज़रूर जाएँ। सो मिलते हैं सीधे शुरू में। लेट्स गो। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first. सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और मैं फर्स्ट इंप्रेशंस की अगर बात करूं तो मुझे सेम हार्ले डेविडसन की लुक आ रही है। और बात करते हैं इसके की से, तो की यहां एज अ सिंपल की जैसे मिलता है वैसे ही यहां पे की मिल रहा है, तो यहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए थी। और बात करते हैं इसके फ्रंट के प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिलती है जो काफ़ी शानदार लगती है। अपर डिपर में आपको LED का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और हेडलाइट पे जो ये वाइट कलर की सिल्वर कलर की जो पट्टी है ब्लैक के साथ काफ़ी सूट करती है, काफ़ी मैच करती है। बात करते हैं इसके साइड इंडिकेटर का, तो यहाँ पे हमें जो हजार्ड लाइट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको बल्ब का ही ऑप्शन मिलेगा, LED का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। और फ्रंट में बात करें इसके मोटर गार्ड की, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की पट्टी और गोल्डन कलर की हल्की सी पट्टी आती है, जो 360 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की लॉक देखने को मिल जाती है, जो लुक को काफ़ी अच्छी बढ़ाती है। और सिल्वर जो है कलर वो काफ़ी जगह यूज़ किया गया है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट के सस्पेंशन की, तो यहाँ पे डाउन अप एंड डाउन फोक सस्पेंशन शॉकर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो 43 mm का है। और इसके जो ट्रेवलिंग का है कि बात करें तो वो 130 mm का आपको ट्रेवलिंग देखने को मिलता है, जो काफ़ी डिसेंट होता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें 310 mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विद द ABS आप देख सकते हैं। और टायर जो है इसमें कंपनी ने सीएट की टायर को प्रोवाइड कराया है, जो 190 के इसके साइज़ हैं टायर के, तो काफ़ी एक अच्छा आपका बेस बन जाता है। और इसमें स्पोक व्हील आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें अलॉय व्हील मिलेगा, जो अलॉय व्हील काफ़ी सॉलिड है, देखने में काफ़ी भारी भरकम लगता है। सो बात करते हैं इसके मीटर कंसोल, तो यहाँ पे आपको सेमी मीटर कंसोल देखने को मिलता है, कुछ डिजिटल कुछ एनालॉग। और यहाँ पे आपको GPS नेविगेशन मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और रॉयल एनफील्ड ने अपडेट किया है कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपको एनालॉग का मीटर स्पीड मीटर दिखता है, न्यूट्रल्स है, और आपको बैटरी का भी दिखाई देगा, इंजन्स में जो भी प्रॉब्लम है, फ्यूल्स का, मतलब आपके सारे फीचर्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले पर ऑन दिखाई देगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। मीटर के अंदर जितनी भी सेटिंग है आप यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, और आपको टाइमिंग सेटिंग है, आपके जो है फ्यूल सेंसिफिकेशन जो भी आपके यहाँ पे है सारे आप चेंजेस कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब रॉयल एनफील्ड भी समझ रहा है कि मुझे ना कुछ यहाँ पे जो है अपडेट देना ही पड़ेगा। तो अब इसका जो है हम लोग साउंड सुनते हैं कि कैसा इसका जो साउंड है, स्टार्ट कर दिया मैंने। मुझे तो कुछ इतना खास नहीं लगा इसका जो साउंड है, ये 350 का मुझे थोड़ा सा याद दिलाया, उससे थोड़ी सी लाउड है। तो आप लोगों को कैसा लगा आवाज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इसको क्लोज़ करता हूं। यहां पे आपको क्रोम फिनिश का मिरर देखने को मिलता है, जो बुलेट अपनी हर एक बाइक में देती है। और यहाँ पर स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अप एंड डाउन आपको यहाँ स्लाइड मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर। और हॉर्न की जो क्वालिटी है, हॉर्न का जो साउंड है, वो मुझे 650 वाला नहीं लगा। यहाँ पर बड़ा अपडेट हुआ है, जो आप अपने जो लीवर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू जितना आपको चाहिए उतना एडजस्ट हो सकता है। और बात करते हैं सीट की, तो यहाँ पे पिलियन की सीट काफ़ी बड़ी दी गई है जैसे बाइक है, और इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, और वाइट कलर की स्टिचिंग हुई है। पीछे की जो सीट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नैरो है कर दी गई है, और लुक देने के लिए वाइज से यहाँ भी आपको गोल्डन कलर की पट्टी, ब्लैक कलर की पट्टी आपको नज़र आने वाली है, और ये बीच में ग्रीन कलर की पट्टी। पीछे की टेल लाइट की बात करें तो यहाँ आपको LED का सेटअप देखने को मिलता
मिलता है जो काफ़ी अच्छा लगता है पीछे से। और यहाँ पे पूरा जो है मेटल्स का बनाया गया, यहाँ पे ज़्यादातर मेटल यूज़ किया गया है। साइड इंडिकेटर्स, यहाँ बल्ब आपको देखने मिलते हैं, और यहाँ पे टायर की जो साइज़ है 150 दिया गया है, जो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा है लगता है। और यहाँ पे आपको डुअल डिस्क ABS का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और इसके जो डिस्क की साइज़ है 300 mm की डिस्क की साइज़ है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ 150x80 BX16 का टायर आपको सीएड का देखने को मिलता है, तो ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और आपको दोनों साइड में ही साइलेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो है 650 से ही रॉयल एनफील्ड ने शुरू किया है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। सो बात करते हैं इसके इंजन की, तो 648 cc का इंजन पायलट 2 WD 4 स्ट्रोक और BS6 एंड लिक्विड कूल के साथ इसका इंजन आता है। जो इसके पावर जनरेट करता है वो 47 point something मैक्स इसका जो पावर है, और इसका टॉर्क जो है 52.3 something इसका टॉर्क देता है। और इसकी जो हाई स्पीड है 140 की इसकी हाई स्पीड है। और इसके बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, तो ये हाईवे पे आपको 22 से 24 की माइलेज आपको निकाल के दे देगी, और अगर सिटी में आप राइड करते हैं तो 50 से 20 की माइलेज आपको निकाल के देगी। और अब बात करते हैं इसके टैंक की कैपेसिटी की, तो 15 लीटर का टैंक है, और टैंक की जो कैप की क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी स्टाइलिश लगी। ये फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड ने किया है, काफ़ी अच्छी है, और सिल्वर कलर की जो कोडिंग है वो हर जगह है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। बात करते हैं इसके वेट की, तो इसका जो वेट है 241 kg का इसका जो वेट है, तो ये खुद एक भारी भरकम बाइक है, बट आपको चलाने में फील नहीं होगा। जो लोगों ने चला के इसको देखा है, जो रिव्यू दिया है, वो काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक है कि आपको चलाने में बिल्कुल लाइट लगेगा। और मेन चीज़ का बात कर लेते हैं इसके प्राइस का, तो इसका प्राइस जो है हमारे गोरखपुर में 3,78,000 से ऑन शोरूम इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है। तो ये इतने में तो कहीं ना कहीं आपको एक सेकेंड हैंड कार, यानी ऑलमोस्ट आपको 4 lakh पैड करना पड़ेगा इस 650 सुपर मेट्रोर लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हाई डील हो जाएगा। लेकिन रॉयल एनफील्ड की जो फैमिली है वो काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में, तो उन लोगों के लिए 4 lakh कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ये बाइक बनाई गई है, जिस तरह से इसके डिज़ाइन किए गए हैं, तो 4 lakh आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। अगर हम बात करते हैं 650 के सेगमेंट में, तो अदर कंपनियों में जो 650 के जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख रुपए की प्राइस है उसकी, तो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड की जो ये सुपर मेट्योर है वो वैल्यू फॉर मनी है, और ये जो है टूरिंग पर्पज़ के लिए बनाई है, तो जो टूरिंग के लवर हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और काफ़ी इतने कम बजट में काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से तो ये इट्स गुड ऑप्शन। और अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है, और आपकी चाहत होनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जब भी राइड करें हेलमेट ज़रूर पहनें। टाटा बाय बाय।